हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सानू गुड़ियाल और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सानू गुड़ियाल। दोस्तों, जब हम कभी किसी कंपनी में काम करते हैं जहां हमारा पीएफ कटता है और उस कंपनी में पीएफ कटने वाली कंपनी के अंदर हमारा यूएनए नंबर दिया जाता है और पासवर्ड दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमको यूएनए नंबर तो दे दिया जाता है कंपनी द्वारा, लेकिन पासवर्ड नहीं दिया जाता है। तो हम उस नंबर को यूएनए को ले जाकर जो भी ऑनलाइन प्रोसेस से काम करते हैं उनके पास हम उस यूएनए नंबर को ले जाते हैं, बोलते हैं कि हमारा पीएफ के बारे में जानकारी हमको प्राप्त करना है, तो हम कैसे करेंगे। लेकिन जो भी ऑनलाइन प्रोसेस से ये काम करते हैं, जो भी कंप्यूटर का दुकान होता है ऑनलाइन प्रोसेस से काम करते हैं, वह बोलते हैं कि भाई हमको यूएनए नंबर के बाद पासवर्ड भी चाहिए। तो उस पासवर्ड को प्राप्त करने के लिए, अगर हमारे पास पासवर्ड नहीं होता है, तो उस पासवर्ड को प्राप्त करने के लिए हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली हम हमारे मोबाइल फ़ोन से पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। हम कैसे प्राप्त करेंगे, आज यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे तो आप भी अपने पीएफ से संबंधित जो यूएनए नंबर होता है उसका पासवर्ड खो जाता है, तो उसके बाद आप उसको कैसे बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, आप स्किप ना करें वीडियो को, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। आप वीडियो पूरा देखें। गूगल पर क्लिक करने के बाद हम हमारे सर्च बार में टाइप करेंगे EPFO, टाइप कर देंगे और सर्च बार पर सर्च कर देंगे। यह कुछ इस प्रकार खुल जाता है, तो हमको इस ऑप्शन को चुनना होगा, UAN। ये आपको नज़र आ रहा होगा, UAN। हमारे पास यूएनए नंबर तो है लेकिन हमारे पास पासवर्ड नहीं है, तो उस पासवर्ड को दोबारा प्राप्त करने के लिए, नया जनरेट करने के लिए हम इस प्रोसेस से सीखेंगे। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार खुल जाता है। हमको इसको डेस्कटॉप साइट पर डालेंगे, तो हमको ये 3 डॉट कोने में दिख रहा है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ये 3 डॉट, इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे रहा है डेस्कटॉप साइट। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन के तरह काम करेगा, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यह कुछ इस प्रकार खुल जाता है, आपको मैं दिखाने वाला हूँ जूम करके। इधर आपको नज़र आ रहा होगा UAN, इधर यह लिख रहा है, यहाँ पर UAN नंबर यह मांग रहा है, और इधर पासवर्ड लिखा रहा है, ये इधर पासवर्ड मांग रहा है। तो हमारे पास यूएनए नंबर तो है लेकिन पासवर्ड नहीं है, तो पासवर्ड प्राप्त करने के लिए हमको यहाँ यूएनए नंबर हमारा डालना होगा और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए ये प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर आपके पास ये यूएनए नंबर और पासवर्ड दोनों नहीं है, तो अपना यूएनए नंबर पासवर्ड प्राप्त करने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा यूएनए नंबर कैसे प्राप्त करते हैं ओनली आधार कार्ड से, इस वीडियो का पूरा देखें और सीखें कि आपका यूएनए नंबर कैसे मिलेगा आपको और पासवर्ड कैसे मिलेगा, पासवर्ड कैसे जनरेट करें। हमारा यहाँ पर हमारा यूएनए नंबर डाल देंगे जो हमारे पास इस वक्त है, लेकिन पासवर्ड नहीं है, तो इस ऑप्शन को छोड़ देंगे। और यह जो कैप्चा नज़र आ रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर डाल देंगे। यह कैप्चा आपको नज़र आ रहा होगा, इस कैप्चा को इस ऑप्शन में डाल देंगे। उसके बाद साइन इन पर क्लिक नहीं करेंगे, हम क्लिक करेंगे फॉरगेट पासवर्ड, ये आपको नीचे लिखा आ रहा है, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम हमारा डाल देते हैं। मैंने मेरा यूएनए नंबर डाल दिया है और कैप्चा भी डाल दिया है, अब फॉरगेट पासवर्ड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। आपको इतना डालना है और फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर अपना, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर अपना यूएनए नंबर जो आपके पास है इस वक्त उसको इधर डाल देंगे। और यह जो आपको कैप्चा नज़र आ रहा है, यह कैप्चा, इस कैप्चा को आप इसके अंदर डाल देंगे और ये सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ये लिखा आ रहा है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हम हमारा डाल देते हैं। तो इधर हमारा इसके बाद कुछ इस प्रकार से खुलेगा, यूएनए नंबर दिखा रहा है इधर, और इधर हमारा जो भी हमने कंपनी में रजिस्टर मोबाइल दिया था वह रजिस्टर मोबाइल यहाँ पर दिखा रहा है। और उसके बाद हमको
ओटीपी प्राप्त करने के लिए नया पासवर्ड बना रहे हैं हम, तो ओटीपी प्राप्त करने के लिए हमको यस यस पर क्लिक करना होगा, इस यस ऑप्शन को चुनना होगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार से लिखा आएगा, ओटीपी सेंट यू आर सक्सेसफुल, आपका जो मोबाइल रजिस्टर्ड था उसके ऊपर एक मैसेज भेज चुके हैं ईपीएफओ द्वारा। तो उसके बाद उस ओटीपी जो हमको प्राप्त हुआ है उसको इस जगह पर, यह ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें उसको डाल देंगे। उसके बाद ये वेरीफाई लिखा आ रहा है, इस वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो ये उसके बाद कुछ इस प्रकार से खुल जाता है ऑप्शन, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुल। तो इधर आपको दिख रहा होगा न्यू पासवर्ड, इधर लिखा आ रहा है आप नया पासवर्ड अपना बना सकते हैं, और इधर कंफर्म पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड बनाया है उसको दोबारा इधर डालें। इधर ये आपको समझ में आ रहा होगा, न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। तो पहले हम न्यू पासवर्ड इस ऑप्शन को चुनेंगे, इसमें हमारा नया पासवर्ड जो हमको बनाना है यह है आपको 12 अंक का बनाना होगा। पहले वाले अक्षर आप बड़ा ए बी सी डी का 3 ले सकते हो, उसके बाद आप छोटा ए बी सी डी का 3 ले सकते हो, उसके बाद कुछ ये जैसे ऑप्शन होते हैं डॉलर हुआ, हच हुआ, स्टार हुआ, कुछ इस प्रकार का 3 ऑप्शन ले सकते हो, और उसके बाद जो भी अंक गणित का अंक होता है उसको ले सकते हो, जैसे 4, 5, 6, इनका भी आप 3 है। तो ये समझ में आ गया होगा, मैं आपको इसका एक फ़ोटो भी खींच के दिखा देता हूँ आपको। इस फोटो फोटो के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन समझाने के तौर पर मैंने एक फोटो दिया है, उसके अनुसार आप डाल सकते हो। इधर अपना कंफर्म पासवर्ड कर सकते हो, जो आपने पासवर्ड न्यू डाला है उसी को इधर कंफर्म करने के लिए दोबारा डालोगे, और इधर ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इधर ये सबमिट, इस सबमिट पर क्लिक कर दोगे, ये सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, इधर ये सबमिट ऑप्शन आ रहा है, इधर क्लिक कर दोगे। न्यू पासवर्ड हमने डाल लिया है, कंफर्म पासवर्ड भी डाल दिया है, और सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। सबमिट ऑप्शन पर हम जब क्लिक करते हैं तो कुछ लोडिंग आता है, तो हमको ऐसा नहीं समझना कि इस पर कुछ अलग हो रहा है, हमको थोड़ा वेट करना होगा, लोडिंग आता है उसके बाद यह ऑप्शन खुलते हैं। आपको दिखाने वाला हूँ, इधर लिखा आ रहा है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल, क्लिक हेयर टू लॉगिन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम हमारा खोया हुआ पासवर्ड यूएनए का किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो समझ में आया, तो कैसा लगा मेरा वीडियो, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे दोस्तों को शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।